प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर ले रहे हैं ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। कैसे करेंगे आप इसके बारे में? सेकंड जो टाइप्स आता है वो है जब नया सालदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता है, नकद में नहीं लाता है, इसी प्रश्न पढ़ा आपने। जब नया साथी फर्म में प्रवेश करता है उसको दो अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर एक, लाभों में हिस्सा, उसके लिए प्रीमियम गुडविल यानी ख्याति का मूल्य चुकाता है। जो नकद में लाता है इसके बारे में पढ़ा। आज है नया साथी जो फर्म में प्रवेश करता है अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता है, तब क्या करेंगे? उसके हिस्से से उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। नए साझेदार, नए साझेदार की ख्याति की राशि के हिस्से से निम्न प्रविष्टि की जाएगी। निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट दिया है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। जो साझेदार प्रॉमिस त्याग कर रहे हैं उनको उनके त्याग अनुपात से आपको क्रेडिट करना है। त्याग अनुपात से हो, त्याग अनुपात से सैक्रिफाइस रेशियो से। एंड क्या करेंगे? जब नया साझी फर्म में प्रवेश करता है और अपने इसी खाते कैश नकद में नहीं लाता है, तब एंड करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। उसके चालू खाते को डेबिट इसलिए करते हैं कि उससे उसकी पूंजी नहीं घटेगी, पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद में आपको यदि प्रश्न ये कहा जाए, यदि प्रश्न में अर्थात विद्यमान साझेदारों की फर्म के चिट्ठे में, फर्म की चिट्ठे में गुडविल की राशि विद्यमान हो तब उस ख्याति की राशि को अपलिखित करेंगे। राइट ऑफ अपलिखित करेंगे, खाते खाता बंद करेंगे। क्या एड करेंगे? ऑल्ड पार्टनरशिप अकाउंट डीआर, ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। इसके बाद गुडविल अकाउंट बंद हो जाएगा। जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आपको दे रखी है उसको क्लोज करना पड़ेगा। बिना कहीं पुराने साधा हो गए, पुरानी ख्याति हो गई, पुराने इनपास आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। पुराने इनपास साझेदारों के पुराने अनुपात से इसको आप राइट ऑफ करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ए और डी, ए भी एक फर्म के साझेदार जिनका लाभ विभाजन अनुपात
तीन रूपा दो है, सी एक बड़ा चार भाग के लिए प्रवेश दिया उसके ऐसे की ख्याति उसके हिस्से की ख्याति 5,000 रुपये जो नकद में नहीं लाता है, नकद में नहीं लाता है तथा फर्म की चिट्ठी में, फर्म की चिट्ठी में 20,000 रुपये सी ख्याति खाता विद्यमान है। जर्नल एंट्री दीजिए, जर्नल एंट्रीज दीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये सही टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसके चाहे ए बी दो संख्या तीन का दो है, सी को बड़ा चार बार की संख्या उसके ऐसी ख्याति 5,000 रुपये जो कैश में नहीं ला रहा है और फंड के चिट्ठे में 20,000 रुपये बैलेंस शीट आपको दे रखे हैं। पहला काम कीजिए जो बैलेंस शीट में 20,000 दे रखे हैं गुडविल इसको राइट ऑफ कीजिए। किसमें बटेगी? पुराने साक्ष्यों में, पुराने साक्ष्य को डेबिट करेंगे पुराने लाभ अनुपात से। थैंक यू। फर्स्ट ए स्टेप का काम दिया, ए स्टेप का काम दिया, बी स्टेप का काम दिया टू गुडविल, टू गुडविल 20,000। ये पुरानी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट दे रखे इसको राइट किया है। 20,000 को पुराने लाभ अनुपात से, पुराने अनुपात से 3/2 आ गया 12,000 और 8,000 3/2 से इसको राइट किया है। बीइंग गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ ख्याति खाता है, ख्याति को फिर किया गया। अब ध्यान रहा नंबर दो, नया जो साझी है वो ख्याति राशि अपने हिस्से के रूप में नहीं लाता है, वो सीज करंट अकाउंट दिया, सीज करंट अकाउंट दिया टू ए का टर्न, टू बी का टर्न। जिन साझेदारों ने तैयार किया है उनके पूंजी खातों को जमा किया जाएगा, अमाउंट 5,000। अब क्या अनुपात क्वेश्चन में 3/2 ही आएगा, कारण ए बी का पुराना अनुपात 3/2 है, सी को बड़ा चार भाग के सामने रखते हैं, इसके साथ कुछ नहीं बढ़ा है तो पुराना अनुपात भी क्या अनुपात आएगा क्योंकि आगे भविष्य में चेंजेस नहीं है। शेष को अपने 3/2 से बांट के 3/2 आएगा, क्या 3/2 से बांट के 5,000 को 3,000 दो बीइंग शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ सी गुडविल क्रेडिट ए टू ऑल पार्टनर्स का टर्न, ऑल पार्टनर्स का टर्न देयर ऑल प्रॉफिट रेशियो, सॉरी ये ऐसा क्या रेशियो क्या अनुपात से आपको जमा करना होगा 3/2 से, जबकि राइटअप जो करेंगे पुराने नाम वाले अनुपात से। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं, नया सरदार अपने से की ख्याति आंशिक नकद आता है और शेष नकद नहीं आता है। क्वेश्चन दो, जब नया सरदार अपने से की ख्याति अपने हिस्से की ख्याति आंशिक आंशिक नकद लाता है। अब क्वेश्चन ए व बी एक फर्म में
एक अनुपात एक बराबर लाभ विभाजन करते हैं सी को एक बटा पांच भाग के लिए प्रवेश देते हैं, उसके ऐसे विद्यार्थी उसके ऐसे की ख्याति 10,000 रुपये, जिसमें केवल 4,000 रुपये ही नकद लाता है, जबकि फर्म की लेखा में फर्म की लेखा पुस्तकों में 50,000 रुपये से ख्याति खाता विद्यमान है, यानी खुला हुआ है, मकान आवश्यक ख्याति संबंधी जर्नल प्रश्न दीजिए, जर्नल एंट्रीज दीजिए। यह आपके सामने क्वेश्चन है, यह आपके फर्स्ट सेकेंड है, उसका मिश्र क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आप देखिए, ए बी एक फर्म में बराबर से सही है, एक बड़ा पांच बाकी सी को अपन एंट्रेंस दे रहे हैं, उसकी ऐसी खाती 10,000 रुपये, जिसमें केवल 4,000 रुपये नकद आ रहा है, और जबकि फर्म की रकम उसमें 50,000 से बैलेंस शीट पर विद्यमान है। आप स्पष्ट कीजिए, पहला काम कीजिए 50,000 खाती को राइट ऑफ कीजिए ए और बी में। फर्स्ट एंट्री होगी पुरानी खाती खाते को क्लोज करने की, ए स्टेप पे कौन गया, बी स्टेप पे कौन गया, 20 तक अकाउंट दिया टू गुडविल, 50,000 रुपये बिना कहीं इसको राइट करोगे, किस अनुपात से, पुराने अनुपात से 25,000, 25,000, 25,000, ये आपकी एंट्री खाते को राइट करने की। नंबर दो, अब ध्यान रखना 10,000 उसके ऐसे की खाते जिसपे केवल 4,000 रुपये ही रोकड़ आ रहा है, तो फर्स्ट आप एंट्री से लिखिए कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल 4,000। अब ये जो सी अपने इसी आंशिक राशि नकद ला रहा है उसकी एंट्री में अलग कर रहा हूं, और शेष राशि नकद नहीं ला रहा उसकी एंट्री अलग समझा रहा हूं। छात्र को सकते हैं पहले अलग समझा, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल 4,000। अब क्या करेंगे, इस ख्याति की राशि को क्रेडिट करेंगे पुराने साथियों को, उनके त्याग अनुपात से गुडविल अकाउंट मिलेगा, गुडविल अकाउंट दिया टू एस करता टू बीस करता टू बीस करता राशि 4,000, और त्याग अनुपात उसमें बराबर ही आएगा 2,000 और 2,000। ये तो आपके एंट्री की 10,000 में से 4,000 नकद आए उसकी, और 10,000 में 4,000 नकद आए, शेष रहा 6,000 रुपये। उसके बाद देखते हैं नंबर चार, सीज करंट अकाउंट दिया, सीज करंट अकाउंट दिया 6,000, रिमेनिंग अमाउंट 6,000 टू एज कैपिटल टू 20 कैपिटल टू 20 कैपिटल। अब 6,000 को आप त्याग अनुपात से करेंगे, त्याग अनुपात जो पुराना वही आएगा 3,000 और 3,000, ये आपके एंट्री है। अब इस पर फर्स्ट एंट्री आपने किया ख्याति को राइट करने के लिए, सेकेंड आंसर नकल आया, अब इसको क्रेडिट किया आपने पुराने साथियों को त्याग अनुपात से, फिर शेष जो राशि है वो नकद नहीं लाया, उस न्यू पार्ट का करंट अकाउंट को डेबिट करके उस पुराने साथियों को त्याग अनुपात से याद किया, और अब इसको एक
इसको अलग एंटीना करके एक साथ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड आप यही होगी और बॉक्स कर रहा हूं ख्याति को अभी करने की एज का टकाउन डी आर 20 का टकाउन डी आर 20 का टकाउन डी आर टू गुडविल ये ख्याति को राइट करने की एंटी है 25,000 ये तो आपकी राइट ऑफ करंट की एंट्री है गुडविल को राइट ऑफ। अब ये जो सुना रहा हूँ 6,000 की एक साथ एंट्री कैसे होगी जो 3 एंट्री आपकी केस की 2 एंट्री गुडविल अकाउंट उसके फर्स्ट आप देखिए जो नकद रहा है कैश अकाउंट डीआर 4,000 सीज करंट अकाउंट डीआर सीरीज करंट अकाउंट डीआर 6,000 क्यों एज का अकाउंट तो 20 का अकाउंट इत्यादि के पास आपको जमा करना है। अब 10,000 को जमा कीजिए 4 रुपए बराबर है 5,000 इस तरीके से आपने पेंट किया है। दो ये जो 4 एंट्री आपने की थी फर्स्ट राइट ऑफ करने की नकद आया जमा किया नकद नहीं आने पर आप सीधा जमा करते हैं तो यहां मैंने एक साथ एंट्री की कैसे कौन दिया 4,000 सीज करने को दिया 6,000 टू एज तक 20 तक का 10,000 को डिवाइड की 4 के पास से 5,000 नेक्स्ट है अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद।